जी स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के बाद अब हम देखते हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स पर्सपेक्टिव अबाउट प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस या PaaS। इसको टॉपिक को अगर हम कंक्लूड करें, गुज़िश्ता जो मॉड्यूल्स हमने देखे हैं तो जैसा कि हमारे सामने स्लाइड पे है, पास इंस्टेंसेस आर हायर्ड बाय डेवलपर्स हु वांट टू डेवलप क्लाउड एप्लीकेशंस। ये हमें पता है कि पास या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के जो इंस्टेंसेज हैं वो इसीलिए एक्वायर किए जाते हैं ज़्यादातर के उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं क्लाउड की वो डेवलप हो सकें और बाद में इसको क्लाउड पे डिप्लॉय भी किया जा सके। अब उसमें अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी रेडीमेड एनवायरनमेंट्स की, जो कि इसे अगले पॉइंट में हमें नजर आ रहा है। रेडीमेड एनवायरनमेंट्स आर यूजुअली क्रिएटेड टू प्रोवाइड ऑन डिमांड एक्सेस टू अ प्री कन्फिगर्ड सेट ऑफ सॉफ्टवेयर टूल्स एंड SDK, यानी एक बने बनाए एक प्री कन्फिगर्ड हालत में, एक फॉर एग्जाम्पल एक जो है इमेज पड़ा हुआ है और जो रेडीमेड एनवायरनमेंट है उसने क्या करना है कि जैसी किसी कंज्यूमर की जो पास कंज्यूमर की रिक्वेस्ट आई है उसने फौरी तौर पे वो प्लेटफॉर्म का इमेज जो है उससे एक वर्चुअल मशीन फॉर एग्जांपल इनिशिएट करवा के या सेट ऑफ वर्चुअल मशीन इनिशिएट करवा के उसने उसको प्रोवाइड कर देना है। सो रेडीमेड एनवायरनमेंट जो है हमें याद है कि ये काम करते हैं। सो प्लेटफॉर्म एज सर्विस अगर डिप्लॉय करनी है हमने तो हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। द पास एनवायरनमेंट्स कैन सिमुलेट अ क्लाउड एनवायरनमेंट विद सिक्योरिटी प्रोसीजर्स, यानी एक जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस के जो अब जो रेडीमेड एनवायरनमेंट जो हैं प्रोवाइड करने हैं तो उनमें क्या होना चाहिए, उसमें क्लाउड के कोई एमुलेशन टूल्स होने चाहिए हैं, सिक्योरिटी फीचर्स होने चाहिए हैं के ताकि क्या हो सके, टू एनेबल द डेवलपर टू टेस्ट द एप्लीकेशन बींग डेवलप, ताकि जो डेवलपर है एप्लीकेशन डेवलपर है वो जैसे जैसे कोड कर रहा है एप्लीकेशन को उसी के साथ साथ वो उसके मुख्तलिफ फीचर्स उसके जो टेस्ट कर सके और उसमें से बग्स जो हैं वो निकाल सके और उसको इम्प्रूव कर सके। और ये कैसे हो सकता है कि अगर उसको जो क्लाउड के जो एनवायरनमेंट है उसकी तरह का जो है सिमुलेशन जो है वो मिले, रियल क्लाउड पे डिप्लॉय करने की बजाय वो इस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में बार बार उसको चला के तो टेस्ट करके उसको ऑप्टिमाइज कर सकता है। सो ये प्रोविजन जो है ये प्लेटफॉर्म एज सर्विस में होनी चाहिए। द प्लेटफॉर्म एज सर्विस एनवायरनमेंट्स ऑल्सो हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग मल्टी टीनेंसी एंड ऑटो स्केलेबिलिटी फीचर्स इन डेवलप्ड एप्लीकेशन, यानी जो एप्लीकेशन डेवलप होंगी वो कैसे क्या होंगी, वो आगे सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डिप्लॉय होंगी तो उसके अंदर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का जो इंस्टेंस है वो हेल्प आउट करेगा। किस चीज में हेल्प आउट करेगा, एस्टेब्लिशिंग मल्टी टीनेंसी। मल्टी टीनेंसी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये मल्टीपल यानी कंकरेंट यूजर्स जो हैं उसको जो सॉफ्टवेयर सर्विस को एक्सेस करने वाले हैं और उससे रिलेटेड डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम पहले बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, वो इम्प्लीमेंट करना मल्टी टीनेंसी का। और स्केलेबिलिटी फीचर्स जो हैं जो एप्लीकेशन डेवलप हो रही हैं वो ऑटो स्केल हो सकें या किसी थ्रेशोल्ड के मुताबिक स्केल हो सकें, वो फीचर्स भी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो है इंस्टेंस उसके एनवायरनमेंट में ये होने चाहिए ताकि क्लाउड जो डेवलपर है क्लाउड का जो एप्लीकेशन डेवलपर है उसको फौरी तौर पे यानी डेवलप करे और क्लाउड के ऊपर रख दे, उसको मजीद कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए कोई और सर्विसेज या कोई और नॉलेज या किसी किस्म के और सॉफ्टवेयर जो है उसको वो इंस्टॉल ना करने पड़े। स्केलेबिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड टू एन ओवरलोडेड एप्लीकेशन ऑन द रिकमेंडेशन एंड बजट ऑफ द प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कंज्यूमर। अब जो स्केलेबिलिटी है वो अगर एक सर्विस इंस्टेंस जो कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का कंज्यूमर बना के उसने एक सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस डिप्लॉय की हुई है तो उसकी जो स्केलेबिलिटी होगी उसका बिल तो बहरहाल प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का जो डेवलपर है या जो यूजर है कंज्यूमर है उसी को पे करना पड़ेगा। तो जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का कंज्यूमर है वो फिर लिमिट सेट करेगा कि किस हद तक उसको स्केलेबिलिटी जो है वो रिक्वायर है। ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर एंड लोड बैलेंसर आर यूटिलाइज फॉर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब वो एक सर्विस को डिप्लॉय करेगा तो सर्विस पे जो डिफरेंट कंज्यूमर्स की रिक्वेस्ट आ रही हैं उनको किस तरह से हैंडल करना है और डिफरेंट जो सर्विस के अगर एप्लीकेटेड इंस्टेंसेज हैं उसके दरमियान में किस तरह से लोड बैलेंसिंग करनी है, तो ये जो मॉड्यूल है यानी ऑटोमेटेड स्केलिंग लिसनर और जो वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूटर है ये वर्कलोड बैलेंसर है, इनको भी जो है डिप्लॉय की सहूलत जो है उस प्लेटफॉर्म एज सर्विस के इंस्टेंस में होनी चाहिए है। फिर नॉन डिस्ट्रप्टिव सर्विस रिलोकेशन आर्किटेक्चर एंड फेल ओवर सिस्टम आर यूटिलाइज टू इंश्योर रिलायबिलिटी इन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इंस्टेंसेज। ये जो आर्किटेक्चर्स हैं ये हम पहले देख चुके हुए हैं, अब हमें इनका इस्तेमाल नजर आया है कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के इंस्टेंसेज में जो ये दो जो आर्किटेक्चर्स हैं ये जो रिलायबिलिटी है जो अवेलेबिलिटी है फॉर एग्जांपल
उसको शोर करने के लिए यूज होने चाहिए हैं। पास इंस्टेंस में कंप्राइज ऑफ मल्टीपल VMs एंड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट डेटा सेंटर्स, डिपेंड करता है जो एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक वर्चुअल मशीन में ही सारा जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस का एनवायरनमेंट आ गया या मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन जो है मिल के वो एक प्लेटफॉर्म एज सर्विस को जो है इंस्टेंस को वो सपोर्ट कर रही है। ये हम पहले इस बारे में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो ये मल्टीपल वर्चुअल मशीन जो है वो हो सकता है कि वो डिफरेंट डेटा सेंटर्स के ऊपर हो सकता है वो एक ही डेटा सेंटर के अंदर हो। सो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट करने जरूरी हैं। जैसा कि फिगर में हमारे सामने है कि जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का यूजर है कंज्यूमर वो लेफ्ट साइड पे है और राइट साइड पे हमारे क्लाउड है। ये जो पास इंस्टेंस जो एक दरमियान में राउंड से शो किया जा रहा है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म एज सर्विस का इंस्टेंस है ये इस जो कंज्यूमर ने ये लीज पे लिया है और ये इन जो है इंटर्न या इनसाइड जो है वो क्लाउड के अंदर ये दो वर्चुअल मशीन से ये सपोर्ट हो रहा है। हो सकता है कि किसी और एग्जांपल में हम ये देखें कि ये एक सिंगल वर्चुअल मशीन पे डिप्लॉय है, हो सकता है तीन वर्चुअल मशीन पे हो। सो इट ऑल डिपेंड्स। सो ओवरऑल जो है ये जो फिगर है ये हमें एक छोटी सी पिक्चर दिखा रही है जो हम ऑलरेडी जो है जानते हैं प्लेटफॉर्म सर्विस किस तरह से इम्प्लीमेंट की जाती है। आगे चलें तो पे पर यूज मॉनिटर एंड SLA मॉनिटर्स कैन बी यूज टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग रिसोर्स यूजेज एंड फेलियर्स। ये जो दो मॉनिटर्स हैं ये तो एक तरह से एक लाजमी जो है जुज हैं इसके प्लेटफॉर्म एज सर्विस के और इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में भी हम देख चुके हैं कि जिससे हमें क्लाउड यूजेज के बारे में जो है रिसोर्स यूजेज के बारे में पता लगता है और बिल जनरेट करने में मदद मिलती है और साथ ही साथ जो SLA से रिलेटेड जो वायलेशन है या जो उसकी जो मॉनिटरिंग है उसका डेटा भी जो है वो अवेलेबल होता है। और इसी के साथ अगर आगे देखें तो द सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस आर यूजुअली एम्पल फॉर प्लेटफॉर्म एज सर्विस इंस्टेंसेस। यानी जो सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस या वर्चुअल मशीन लेवल पे जो है प्रोवाइड कर दिए जाते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म सर्विस भी वर्चुअल मशीन के ऊपर ही हम सपोज करते हैं कि ये होस्ट हो रहा है तो वही सिक्योरिटी फीचर उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। सो एडिशनल जो सिक्योरिटी फीचर हैं वो आमतौर से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है।